बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय के सामने बने ओवरब्रिज के हाल अब धीरे धीरे बदहाल होते जा रहे हैं। किसान छात्रावास से नेहरू नगर तक बने ओवरब्रिज पर कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन हादसे होते हैं। यहां से गुजरने वाले वाहन चालक भी इन गड्ढों से खासे परेशान हैं। वहीं नगर परिषद द्वारा इस ब्रिज की कोई सुध नहीं लेने के कारण ब्रिज पर गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं। बाड़मेर शहर में मुख्य मार्गों की टूटी सड़कें हादसों को न्योता देती नजर आ रही है। शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर सड़कों पर बने गड्ढों से वाहन चालकों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं बारिश के दिनों में हादसों की आशंका और भी बढ़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल के ठीक सामने बने नेहरू नगर ओवरब्रिज की। सेवा सदन से सेंद्री सर्किल और शहर को हाईवे मार्ग से जोड़ने वाले इस ओवरब्रिज की सड़क इन दिनों काफी जर्जर हो गई है। ब्रिज पर बनी इस सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इससे दुपहिया वाहन चालकों को हर दम हादसे का भय सताने लगा है। सड़क पर बने गड्ढों से अत्यधिक परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को हो रही है। आए दिन बाइक सवार और स्कूटी चालक इन गड्ढों के कारण वाहन पर अपना संतुलन खो बैठते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। बावजूद इसके काफ़ी समय से जर्जर हुए इन ओवरब्रिज की ठीक की मरम्मत नहीं की गई। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों की माने तो ओवरब्रिज की सड़क पर गड्ढे होने के कारण दुपहिया वाहनों के स्लिप होने का अधिक खतरा बना रहा है और बारिश के दिनों में यह खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। कई बार लोग यहाँ चोटिल भी हुए हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। अस्पताल के सामने बाड़मेर का सबसे व्यस्ततम पुल जो मार्केट को नेहरू नगर, रामनगर, बलदेव नगर से जोड़ता है, इसकी पिछले 3-4 महीने से हालत खराब हो चुकी है और पुल के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चोटिल हो रहे हैं और उनको चोट लग रही है। पिछले 2 माह पूर्व जो हुई बारिश की वजह से पुल की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है। पिछले काफ़ी टाइम से हम प्रशासन को, नगर परिषद से, आमजन के साथ जाकर आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो इसके ऊपर कोई मरम्मत का कार्य हुआ, न हमारी कोई बात सुन रहा है। और मैं बाड़मेर शहर से, ये जो मुख्य जो और भी है, बाड़मेर शहर को मुख्य सिंधी चौराहे से जोड़ता है, जो जिला अस्पताल के नज़दीक से होके कॉलेज तक जाता है। यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी बसों का आवागमन भी रहता है, जो शहर के मुख्य दिन रात डेली यहाँ जोड़ता है आवागमन को। और इससे पुल की ऐसी हालत हो रखी है कि जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। और प्रशासन को 3-4 बार अवगत भी करा चुके हैं और बारिश के बाद तो और ज़्यादा मतलब हालत खराब हो चुकी है और यहाँ आवागमन में पूरी दिक्कत रहती है और कभी भी हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि नेहरू नगर के ऊपर गुजरने वाले इस ओवरब्रिज का शुभारंभ 24 सितंबर 2013 को तत्कालीन राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी, तत्कालीन सांसद हरीश चौधरी और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने किया था। इसके बाद से इस ओवरब्रिज पर वाहन दौड़ने लगे और रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से जूझ रहे बाड़मेर वासियों को कुछ राहत मिली। पिछले 8 वर्षों से इस ब्रिज पर कई गड्ढे बन गए हैं। हालांकि समय समय पर इनकी मरम्मत का कार्य भी हुआ है, लेकिन इन दिनों ओवरब्रिज की इस सड़क के हाल बहुत ही नासाज हैं। वहीं सितंबर माह में लगातार हुई बारिश के बाद ब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।